हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। भुंतर से काजा के लिए निकलना था हमें, पर दिक्कत ये हुई कि वहाँ पर एक रैली की वजह से रास्ता ब्लॉक था। तो हमने उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए हमने किलोंग, सिसु, जिस्पा, ये सब कवर किया जो इस ट्रिप में आपको प्रीवियस व्लॉग में देखने को मिला होगा। नाउ आज डे 3 है और आज हम सिसु में स्टे किया हुआ था हमने, और सिसु में हम रुके थे यहाँ इस होम स्टे में। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, सुबह अप्रोक्स 7 बज चुके हैं। हम निकल रहे हैं अब यहाँ से चंद्रताल होते हुए, हमें काजा जाना है और हम ये आज के दिन में चीचम ब्रिज और कुंजम पास ये सब कवर कप करेंगे। तो अभी चलते हैं, अपना लगेज वगैरह सेटअप करते हैं। पर यहाँ से आप देखिए जो होम स्टे था ना, पर देखो यहाँ कौन है आज, ये जो होम स्टे वाले हैं इनके अपने हैं और इन्होंने कुछ काफ़ी अच्छा स्टे है इनका, कुछ इन्होंने अपनी सेल्फ फार्मिंग वगैरह भी की हुई है। और यहाँ से आप ये व्यू देखिए, पीछे का माउंटेन्स का व्यू कितना अच्छा है यहाँ सारा। तो ये है होम स्टे के जस्ट पीछे, हमारी विंडो से जो व्यू था वो ये माउंटेन व्यू था, दूसरी साइड वाटरफॉल है। और अभी हम लोग अब जा रहे हैं, नवजोत पाजी भी आ चुके हैं और हम अपनी बाइक्स वगैरह निकाल के रेडी कर चुके हैं। बाइक्स को कोल्ड स्टार्ट वगैरह करना पड़ेगा अभी सारी बाइक्स का। लगेज देखो, सबसे टफ टास्क अगेन लगेज खोलना, बांधना और एश्योर करना कि कुछ रह तो नहीं गया। तो करते हैं पैकअप, बाइक पर मिलते हैं अपना रेडी होने के बाद। यहाँ हमारा सारा लगेज वगैरह पैक हो चुका है और अभी टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। तो यहाँ जो धूप आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा धूप है और ये थोड़ी सी हरियाली और चमकने लगी है इनके फूल बगीचे वगैरह जो भी हैं। एंड गाड़ियों की हालत देख सकते हो अभी तक कितनी गंदी हो चुकी है, ये देख रहे हो आप पूरी गाड़ी। ये ना ये USD फॉग को बहुत प्रोटेक्ट करता है। बाकी ये देखो लाइट्स वगैरह सबकी हालत। और अब टाइम डिले ना करते हुए बाइक पर रेडी होकर हम लोग चलते हैं। ही वाज आल्सो स्टेइंग इन द सेम होम स्टे एंड ही इज गोइंग K2K ऑन बाइसिकल। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? माय नेम इज प्रसाद। प्रसाद क्या? And he is also he's Jawan. He's also coming, and he is from Coorg. No, no, no. He's my brother. He's also from Tamil Nadu. Yeah, they both are from Tamil Nadu, and they are doing K2K on bicycles. So, all the best. Yeah, thank you. Yeah. So, guys, let's start today's ride. देखा 8:02 हो गए और आज की राइड स्टार्ट होती है हमारी 787.5 किलोमीटर से। मेरे 787 है और सुबह का नज़ारा, धूप हो चुकी है, वाइजर डाउन। खींच दो गाड़ी, वार्म अप। 149 काजा, एंड काजा यहाँ से 149 किलोमीटर है। ये हंसी वादियाँ देख लो ये समा, गाना नहीं आता मुझे ज़्यादा। तो आप लोग ये व्यू, सुबह का नज़ारा, यार एक लेक का फोटो ले लें जस्ट। भाई 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 भाई, भाई रोकना, रोकने को इशारा करो, रोकने को इशारा करो। लेक का फोटो ले रहा हूँ यार। हाँ यार, बस उतरना नहीं है बाइक से, वैसे ही ले रहा हूँ, बस वाइड एंगल व्यू ले रहा हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सिसु की ये लेक है और यहाँ बोटिंग वगैरह होती है, वो हेलीपैड है वहाँ पर। कल वहाँ हमने थोड़ा सा ऑफ रोड वगैरह किया था वहाँ टेंट सर्च करने के लिए, पर यहाँ इस मौसम में टेंट्स वहाँ बंद हो चुके हैं सारे। तो थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं हम लोग यहाँ। ये देखो, कल हमने यहीं पर नीचे जाके फोटोग्राफी वगैरह की थी, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। सुबह सुबह तो और अच्छा लग रहा है, सामने धूप खिली हुई है और ये रोड नज़ारे यहाँ के, एक फोटो ले लें इस वाटरफॉल की, अभी कोई नहीं है, ले लें। और ये हमारा सुबह का आज का पहला ऑफ रोड, देखो वाटर क्रॉसिंग भी है वहाँ। आगे चले गए तुम?
तो यहाँ हम अटल टनल से राइट साइड जो टर्न होता है, आज हम उस पर एंटर हो चुके हैं। कल सिसु में स्टे किया था और यहाँ का रास्ते पर ये हमारा पहला विजिट है। तो अब हिल चढ़ाई यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे बस एक चलाने में हमें सिर्फ एक ही दिक्कत आ रही है, ये जो सूरज है ना एकदम आंखों पर चमक रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, टेम्परेचर 2-3 डिग्री के आसपास ही है। और हमने सुबह चेक किया था चंद्रताल का डे टाइम टेम्परेचर, मतलब हमारा एक्सपेक्टेड है कि हम चंद्रताल पे 10 से 11 बजे तक पहुँच सकते हैं। तो हमने चेक किया कि वहाँ का जो टेम्परेचर है 10 से 11 बजे 0 डिग्री के आसपास होगा। कल रात वहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री था। और ऐसी जगह पे थोड़ा सा हमें अलर्ट होके निकलने, क्या हुआ? तो यहाँ के रास्ते अब खतरनाक और कर्फ वाले होते जा रहे हैं, चढ़ाई है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जितना हो सकता है हम कोशिश है आज इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हो इधर साइड में ब्रोकली की फार्मिंग है सारी, राइट साइड में मेरे, और लेफ्ट में भी है पहाड़ियों, इसके बीच में जो ये बाउंड्रीज की हुई है इनके बीच में ये सारी ब्रोकली की फार्मिंग हो रखी है यहाँ पर। और इधर एंटर होते ही आप देखोगे राइट साइड, जैसे ही हम उससे एंटर हुए ना तो ये सारे ही जो पूरा वैली का व्यू है वो चेंज हो गया। सिसु साइड जो वैली थी वो पूरी डिफरेंट थी और इस साइड आप देख सकते हो बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ जो ये अभी कुत्ता दिखा बड़ा ही सुंदर लग रहा था, क्यूट, बालों से ढका हुआ, बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर अब माइनस में रहता है। तो ऐसे ही जो डॉग्स होते हैं ये माउंटेन्स वाले, या यही यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। अब आप देख सकते हो हम कितना हाइट पर बढ़ते जा रहे हैं नदी नीचे। अरे यहाँ तो बैरिकेड्स हैं और पुलिस ने मुझे रोका नहीं है, मैं कैसे डालूंगा थंबनेल स्टॉप्ड बाय पुलिस की। हाँ इसीलिए लगता है मैं बड़ा ब्लॉगर नहीं बन पाता, मेरे पास, मेरे को पुलिस रोकती नहीं है। ये देख लो पर दोस्तों नज़ारा इधर साइड का और इधर साइड का। अब हम जाने वाले हैं कौन सा, स्पीति के लिए? भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है नदीब? इस पर तो आगे मर्ज करने का भी ऑप्शन नहीं है, कहीं किसी से पूछ लो। ये है ना, तो यहाँ से रोहतांग पास सिर्फ 21 किलोमीटर है, ग्रम्फू है, और वहाँ फाइनली मुझे पुलिस ने रोका। फाइनली वी आर स्टॉप बाय पुलिस। सो लगता है अब हम क्या करवाना है। अच्छा जो पुलिस सहायता केंद्र है यहाँ आपको एंट्री करनी है अपनी फ़ोन नंबर, बाइक का नंबर और कोई जो भी डिटेल्स ये मांगते हैं। और ये इसलिए होता है कि जो लोग यहाँ से एंटर होते हैं ये काफ़ी रिमोट लोकेशन है, आगे उन्हें या तो इसी साइड से रिटर्न होना होता है या वो किन्नौर साइड से रिटर्न होते हैं। तो ये हमेशा रिकॉर्ड मैच किया जाता है कि कोई अंदर वैली में फंस तो नहीं गया है। तो एंट्री एग्ज़िट इक्वल होनी चाहिए और वो एक लिमिटेड टाइम या कुछ जो है उनके बारे में चेक इन किया जाता है। इसीलिए ये थोड़ा सा इनके यहाँ सारे जो बोलते हैं ना कि स्टॉप्ड बाय पुलिस या जो भी, ये जनरल ये होता है बस कि पुलिस रुकती है, आपकी एंट्री करवाती है और आपको जाने देती है। यहाँ जो ये सारी है अब अपहिल चढ़ाई है, कोक्सर से हम आगे निकल चुके हैं। कोक्सर आपको अगर ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो वहाँ आपको ब्रेकफास्ट के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये डाउन साइड सारी
आप देख सकते हो क्या नज़ारे हैं। और इस जगह से आपको सबसे पहले बर्फ़ वाले पहाड़ दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये सामने जो बिल्कुल पहाड़ दिख रहे हैं बीचों बीच, ये पूरे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं। यहाँ आप देखो बड़े आराम से गाड़ी चढ़ रही है, मतलब तीसरे गियर पे चढ़ रही है। सुबह से हम 4 किलोमीटर चल चुके हैं। ये जो चढ़ाई है ना, ये बहुत ज्यादा है। अभी हमें वहां ऊपर जाना है, ऊपर आपको रास्ता दिख ही रहा है पहाड़ी पर कैसे रास्ता चढ़ रहा है। फाइनली अब यहाँ से ऑफ रोड स्टार्ट है। ये जो बैरियर आता है और ये नीचे एक रास्ता डाइवर्ट हो रहा है, आपको इस रास्ते पर जाना है। और यहाँ एक नोटिस है, यहाँ सारे डिस्टेंस लिखे हुए हैं, ये सारे यहाँ लगे हुए हैं और बोर्ड पर भी लिखा हुआ है दिस इज़ अ नो नेटवर्क जोन। तो आप अपने फैमिली या मेम्बर्स को इन्फॉर्म कर दें ताकि वो वरी ना हो। बाकी हम यहाँ रुक कर थोड़ा सा व्यू अच्छा है फ़ोटो ले लेते हैं। तो हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जहाँ से हमने डाइवर्जन लिया था वो पॉइंट 807 किलोमीटर दूर था। बीच में हमने रुक के थोड़ी सी कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर ली, हल्का सा थोड़ा सा पानी वगैरह पी लिया। और अब हम चल पड़े हैं, बाकी आपको बताते हैं ऑफ रोड कितना है और कैसा कैसा है। तो हम एंटर हुए हैं 8:40 पर और 807 किलोमीटर पर। तो देखते हैं हम इसे कितने टाइम में कवर कर पाते हैं। वही यार, डाइवर्जन बना दिया शॉर्ट। देखो डिस्टेंस कम करने के लिए यहाँ कुछ शॉर्टकट्स बना दिए गए हैं। पत्थर थोड़े मोटे मोटे हैं तो अभी सैडलिंग हम नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि कोई भी पत्थर नीचे आता है पैर टेकने पड़ते हैं। सैडलिंग थोड़ा डस्टी एरिया में ठीक रहती है या स्ट्रॉन्ग बेस हो जहाँ पर। मैं आगे से थोड़ा सा, तो ये एक वाटर क्रॉसिंग आ गई है, पर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये छोटा वाला है और थोड़ा पक्का बना रखा है। दोस्तों देखो इसकी ऑफ रोड परफॉर्मेंस तो बढ़िया है, बाकी आप हैंडलिंग कैसे करते हो ये डिपेंड करता है। और यहाँ देखो कितना सही वाटर क्रॉसिंग है। काफ़ी स्टीप है और बहुत, मतलब खड़ी चढ़ाई है सीधी ये। और अब तो हर 100-200 मीटर पे अच्छी अच्छी वाटर क्रॉसिंग्स आ रही हैं छोटी मोटी, आप देख ही सकते हो पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर। और अगर आप ऐसे राइड्स पे आते हो ना तो बूट्स होना बहुत ज़रूरी है। ट्राईपॉड वगैरह सब सेट करके आएंगे भाई, रील्स के लिए सबके लिए। इन पे तो बस चलते हुए निकाल ले रहे हैं, जैसे उन्होंने अपने गिरते हुए का शॉट लिया है। पिछली बार तुम कार से आए थे ना दोस्तों। यहाँ देखो ये बहुत बड़ा वाटर क्रॉसिंग भी है। तुम्हारी पैंट कल फट गई थी, यहाँ कार है ऑल्टो, ये अच्छा।
अच्छा खासा वाटर क्रॉसिंग बना दिया है, बना है। अब जैसे यहाँ हमें हैंडल को ग्रिप चाहिए ना, तुम वो ग्रिप नहीं दे सकते, वो जो कह रहे थे ना वो एक्सेलरेट। ठीक है ना ये जगह, हाँ। तो ये वाटर क्रॉसिंग के अच्छी खासी वाटर क्रॉसिंग है ये, तो हमने सोचा इसके बाद में थोड़ा सा रुक के कुछ स्नैक्स वगैरह, हमने जो स्निकर्स चॉकलेट वगैरह लाए थे, थोड़ा एनर्जी बार्स ले लेते हैं। नीचे आ गए हम पूरा, वापस चढ़वाएंगे ये। चलानी है किसी को यहाँ थोड़ा प्लेन्स में, चलानी है प्लेन्स में। चलो आगे ही लेना हो तो चढ़ाई आ गई, मजे ले रहा था मैंने भी भाई, सही आ गया। चलो चलते जाओ, चलते जाओ, चलो चलो, रुकना है, चलो चलो अपनी बॉटल, चलो ठीक है ठीक है। अभी पत्थर है यार बहुत ज्यादा, चढ़ो चढ़ो चढ़ो, तुमने फिर से वही किया, रुको इसको निकलने दो, इसको निकलने दो, ओ ओ ओ इसको देखो भी, रुको 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 रुको,